मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सुरकलैन का तस्करा है कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, पूरी दुनिया फतह की उन्होंने। हजरत सुलकरनैन ने, कुरान कहता है जमीन के मशरिक की इंतहा में भी पहुंचे और जमीन के मगरिब की इंतहा में, और एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जुल्करनैन कि वो कौम हजरत जुल्करनैन की जबान नहीं समझती थी। तो तर्जमान के जरिए उस कौम से बात हुई। उस कौम ने कहा कि आप बड़े ताकतवर बादशाह हो, हम एक मुसीबत में मुबतला हैं, आप उससे हमें बचाएं। वो मुसीबत क्या है? उन्होंने कहा याजूज माजूज एक कौम है जो जमीन में फसाद मचा रही है, तो आप हमें उससे क्या करें, उसके शर से बचा लें। तो हजरत जुल्करनैन ने जो पहाड़ों की वादियां थी ना, उनके दरमियान लोहा और सीसा गर्म करके, बड़ा मुश्किल काम है ये पहाड़ों को लोहे और सीसे से बंद करना, उस कौम को पैक कर दिया, सील पैक, कि ये कौम अब क्यामत तक निकल ना सके और दुनिया इनके शर से महफूज रहे। दो जगह कुरान में याजूज और माजूज का तस्करा है। हदीस में आता है कि वो जो याजूज और माजूज हैं इतनी कसरत से हैं, वो क्या करते हैं, दीवार को चाटते हैं रोजाना खत्म करने के लिए, कि ये दीवार चाट चाट के क्या करो, खत्म करो। और वो जब खत्म होने के करीब रहती है तो वो कहते हैं अब हम कल इसको चाटेंगे, और इंशाल्लाह नहीं कहते। तो जब अगला दिन आता है तो दीवार वापस उसी तरह हो चुकी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में वो ये कहेंगे कि इंशाल्लाह इस दीवार को हम कल खत्म कर देंगे। तो जब इंशाल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है वो कौम, जब अल्लाह ने चाहा कहेंगे तो वो दीवार अगले दिन क्या हो जाएगी, खत्म। और कुरान में आता है कि फिर वो जमीन में फैल जाएंगे। व तरकना बादहुम यौमइदी यमूजु फी बाद, इतनी कसरत से जमीन में, वो बहुत बड़ी तादाद होगी उनकी, बहुत बड़ी तादाद जमीन में, ऐसा फसाद मचाएंगे कि लोगों का जीना हराम कर देंगे, घुस रहे होंगे एक दूसरे के अंदर, इतनी कसरत से होंगे। फरमाया और फिर हदीस में आता है, ये तो कुरान में है ना कि इतनी कसरत से उनको छोड़ दिया जाएगा, हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो फिर याजूज माजूज को खत्म करेंगे, उनकी लड़ाई होगी, वो अल्लाह से बद्दुआ करेंगे। फिर हदीस में आता है कि इतनी लाशें जब वो मरेंगे ना, इतनी लाशें होंगी कि उनकी लाशों की कसरत से जमीन में बदबू और ताफुन फैल जाएगा, और इतनी लाशों को ठिकाने लगाना मुसलमानों के बस में नहीं होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, बारिशें बरसेंगी, सैलाब आएंगे जिनमें उनकी लाशें बह बह के ठिकाने लगेंगी। फिर उसके बाद दुनिया से कुफर का खात्मा हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैयत में ऐसा जमीन में फिर इंसाफ फैलेगा, ऐसा इंसाफ फैलेगा, ऐसी अल्लाह की इबादत होगी कि बरकतें नाजिल होंगी, एक अंगूर का दाना इतना बड़ा पैदा होगा कि लोग उसको सैराब करके, एक अंगूर के दाने से कई कई आदमी सैराब होंगे, इतने बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे। क्योंकि जब तकवा होगा ना जमीन में तो बरकतें आसमान से नाजिल होंगी, फलों के साइज बढ़ जाएंगे, उनके जायके बढ़ जाएंगे। अभी तो देखो छोटे होते जा रहे हैं, पब्लिक भी छोटी होती जा रही है, कद छोटे होते जा रहे हैं। वो ठिगनी से एक आदमी की शादी हुई किसी छोटे कद की औरत से, बच्चे इतने इतने से, अब वो माँ बच्चों को खिला रही है, बड़े ही नहीं हो रहे, वो माँ पे गए कद में। तो वो शौहर जल के अपनी बीवी से कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनको जितना खिलाएगी ये और छोटे हो जाएंगे। कहते हैं इनके साथ पौधे लाया था वो बड़े हो गए और ये इतने के, कोई पुराने जमाने का हमने क्लिप सुना था। तो हर चीज जो है ना उसकी बरकत क्या हो रही है, खत्म। अब आप देखो, हमें याद है बचपन में जब रोटी पकती थी ना किचन में, खुशबू आती थी दूर तक, अब रोटी में खुशबू खत्म हो गई है। तो बरकतें खत्म हो रही हैं, जायके खत्म हो रहे हैं। हरी मिर्चों में मिर्चें नहीं है, मैं हरी मिर्चों का आशिक हूं, मैं खाने में हरी मिर्च के बगैर खाता नहीं, और ऐसे चबाता हूं ऐसे ऐसे करके, मुझे लोग देखते हैं। एक दफा मैं होटल में गया तो मैंने कहा हरी मिर्चें ले आओ, वो मजाक समझते हैं, वो एक उठा के ले आता, मैं कहता भाई हरी मिर्चें लेकर आओ यार। उसने गुस्से में ना पूरी प्लेट भर के ले आया, तो मैं खा गया, मैं तो चाह ही रहा था कि प्लेट भर के लेकर आऊं,
तो हैरान हो रहा, यार ये तो मैं समझता था मजाक कर रहा है। तो लेकिन अब हरी मिर्चों में जायका 6-7 चबा जाओ, उसके बाद कोई एक आध निकलती है। हर चीज में जायका क्या हो रहा है, इसका गुनाहों से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुछ तो ये खाद वाद के असरात हैं, कुछ हमारी बदामालियां भी हैं। चीजों के जायके क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो अनार हदीस में आता है इतना बड़ा पैदा होगा कि अनार का जो छिलका है ना उसमें, उसको लोग साहिबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इतने बड़े बड़े छिलके लोग उसमें बैठ के छांव के तौर पर रखेंगे, इतने बड़े अनार पैदा होंगे और ऐसे जायकेदार। तो ये कुछ अलामात थी जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की। इस पर फिर कभी बयान करेंगे अलामात क़यामत पर, क़यामत की अलामात में क्या क्या है। तो ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, इसमें लोगों ने मौजू मनगढ़ंत किस्से बहुत बनाए हुए हैं। सही रिवायतें कम हैं और जो मौजू मनगढ़ंत किताबें और अपनी तरफ से किस्से कहानियां बना के, वरना ये एक मुस्तकिल टॉपिक है। कुरान और सुन्नत में इस पर बहुत कुछ बयान किया गया है। तो खैर, असहाब कहफ का ये वाकया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया। हाँ तो अच्छा, ये जो याजूज माजूज हैं, बाज लोग ये इश्काल करते हैं कि अब तक साइंसदानों को तो नजर आए नहीं है, ये जमीन में जो सयाह हैं जो घूम, उनको तो नजर आए नहीं है, सेटेलाइट सैारे भी हो गए। तो याद रखो, इंसान ने ये दावा करना गलत है कि जमीन का एक एक चप्पा देख लिया, ऐसा नहीं है, ये दावा ही गलत है। गूगल मैप से जब तक देखेंगे नहीं ना जाके, और देखने में आसान नहीं है, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ने उसको गूगल मैप से छुपा दिया हो, पर्दे में रखा हो, वो पैक भी हो गए होंगे कि वो ऊपर से नजर नहीं आ रहे होंगे। और बाज लोग ये कहते हैं कि ये चाइनीज है ना, ये याजूज माजूज है। तो मुझे नहीं पता, मुमकिन है, मेरी तहकीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी पहाड़ों के अंदर है और ये भी इतने ज्यादा हैं कि जब ये आएंगे ना चिंग चिंग पोंग पोंग करके पूरी दुनिया में। लेकिन बहरहाल एक कौम है, हमारा इस पर ईमान है कि वो एक कौम है जो कुर्ब क़यामत में ज़मीन में फैल जाएगी और फसाद मचाएगी, बहुत ज़्यादा फसाद मचाएगी।